जब भी कोई बीमारी होती है तो इंसान डॉक्टर्स के पास जाते हैं उसे दिखाने के लिए, लेकिन अगर वो डिजीज गलत डायग्नोज हुई तो? जॉन हॉपकिंस स्कूल ऑफ मेडिसिन ने रिवील किया कि मिस डायग्नोस्टिक एरर्स के कारण हर साल 371,000 डेथ्स होती हैं। ये एरर्स नॉर्मली 5 कंडीशंस में होती हैं: सेप्सिस, स्ट्रोक, निमोनिया, ब्लड क्लॉट इन द वेन और लंग कैंसर। इस स्टडी के लीड डेविड न्यूमन का ये कहना है कि अगर इन डिजीजेस के आइडेंटिफिकेशन को मिस किया तो बॉडी में बहुत ही बुरा हार्म हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, हर साल 9.5 लाख लोगों को स्ट्रोक होता है, उसमें से 18% केसेस मिस हो जाते हैं, मतलब 94,000 लोगों को सीरियस हार्म होता है। स्ट्रोक के सिम्टम्स जैसे ट्रबल इन स्पीकिंग या आर्म मूवमेंट ईजिली आइडेंटिफाई हो जाते हैं, लेकिन हेडेक या डिसीनेस डायग्नोसिस के समय मिस हो जाते हैं। पर नॉट टू वरी, क्योंकि स्टडी ये भी कहती है कि पेशेंट्स शुडंट लूज होप ऑन द हेल्थ केयर सिस्टम, क्योंकि इसका लेस देन 0.1% चांस रहता है ऑफ समवन बीइंग हार्म्ड अंडर मिसडायग्नोसिस। तो क्या कहना आपका इसके बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और हेल्थ लाइफ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।